हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। माय नेम इज कविंद्र चतुर्वेदी एंड वी आर हेयर टू स्टडी थर्मोडायनेमिक्स। एंड इन थर्मोडायनेमिक्स वी हैव रीच्ड टू द एंट्रोपी सेक्शन। सो वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस सेक्शन बेसिकली द एंट्रोपी सेक्शन, एंट्रोपी टॉपिक। दोस्तों, एंट्रोपी एक ऐसा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स का जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है और लोगों को या हम लोगों को थोड़ी सी समझने में मुश्किल भी होती है। ठीक है, एंट्रोपी क्या होता है, चूँकि हम लोग क्या होता है कि एंट्रोपी को जैसे कि हम लोग बेसिकली एनर्जी पढ़ते हुए आए हैं, एनर्जी के डिफरेंट डिफरेंट रूप्स को पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई कहा जाए कि एनर्जी क्या है, एनर्जी क्या है, एनर्जी को डिफाइन कर दो, तो आप बस इतना ही बोलते हो कि एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, कि जिस कैपेसिटी से हम कोई वर्क करते हैं, कोई काम करते हैं, कोई यूजफुल काम करते हैं, उसको एनर्जी बोलते हैं। बट अगर आपको रियली डिफाइन करना हो कि हाँ एग्जैक्टली क्या है एनर्जी, तो आपको शायद थोड़ी सी मुश्किल होगी। ठीक है, तो ऐसे ही सेम आपका एंट्रोपी है। एंट्रोपी एक मतलब एक प्रॉपर्टी है जिसको हमें थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है। लोग काफ़ी बातें इसके बारे में करते हैं कि ये चीज़ होता है, ये होता है, बट इसको करेक्टली डिफाइन करने में थोड़ी सी समस्या होती है। तो इसका जो प्लॉट है, इसका जो लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्चुअली डिफाइन नहीं होती। जैसे मास क्या है, मास को डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम उसको एज ग्रांटेड ले लेते हैं कि नहीं, हम मास को तो जानते ही हैं, भले हम उसकी डेफिनेशन नहीं जानते, बट जानते हैं हम उसको क्या होता है, चूँकि आप उसको देख पाते हो। ठीक है, बट एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी का ना तो हम लोग उस तरीके से देख पाते हैं फिजिकली, और या देख भी पाते हैं तो उसको समझ नहीं पाते हैं, या फिर उसको डिफाइन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस सेक्शन में हम ट्राई करेंगे कि एंट्रोपी को थोड़ा बहुत समझा जाए कि एंट्रोपी एक्चुअली होता क्या है, क्या करता है, एंट्रोपी का थर्मोडायनेमिक्स में कंट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, तो देखिए, अभी इसके पहले वाले सेक्शन में हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ पढ़ा था, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ उसके पहले पढ़ा था। तो फर्स्ट लॉ में हम लोग एक्चुअली क्या समझते हैं कि एनर्जी का कौन सा रूप किस रूप में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, कि हीट को आप किस रूप में कन्वर्ट कर रहे हो, हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रहे हो, या हीट को इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो, या वर्क को इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, या वर्क को हीट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम उसमें क्या करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बस इतना पढ़ते हैं कि एक एनर्जी का रूप दूसरे एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अमाउंट पढ़ते हैं हम लोग, अमाउंट ऑफ क्वांटिटीज टू बी कन्वर्टेड अंडर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब सेकेंड लॉ में हमने क्या पढ़ा, सेकेंड लॉ में हमने पढ़ा कि वो जो कन्वर्जन हो रहा है, जो एक एनर्जी का दूसरे एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है, वो कन्वर्जन एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक हो रहा है। तो उस स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाने में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाने में कितना आपको कौन सा प्रोसेस करना पड़ रहा है, या प्रोसेस कैसा हो रहा है, तो वो प्रोसेस की जो डायरेक्शन है, उस प्रोसेस के बारे में, एक्चुअल में वो प्रोसेस होगा या नहीं होगा, उसके बारे में जो आपको बताता है, वो कौन बताता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपने डिफरेंट डिफरेंट कुछ टर्म्स पढ़े थे, जिसमें आपने कहा था, दो बातें कही थी कि वर्क एक हाई ग्रेड एनर्जी है जिसको हम लोग कंप्लीटली और डायरेक्टली किसी दूसरे एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। वर्क एक ऐसी एनर्जी है जिसको हम लोग कंप्लीटली मतलब 100% और डायरेक्टली बिना किसी इक्विपमेंट की मदद से, बिना किसी डिवाइस की मदद से, हम उसको दूसरे एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है, तो उसको हम लोगों ने हाई ग्रेड एनर्जी बोल दिया था। लेकिन कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं जैसे कि हीट, उसको हम लोग कंप्लीटली और डायरेक्टली किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब हीट को हम लोगों ने क्या बोल दिया था, लो ग्रेड एनर्जी बोल दी थी। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि हीट को अगर आपको वर्क में कन्वर्ट करना है, तो हीट को आप 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, और दूसरा अगर कुछ पोर्शन कर भी रहे हो, जैसे हीट का मान लीजिए कुछ अमाउंट ऑफ हीट है, 100% आपके पास हीट है, उस 100% का 30%, 40%, 50% आप वर्क में कन्वर्ट जो कर रहे हो, उसको आप
डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, उसको किसी न किसी डिवाइस की मदद से कर सकते हो, जिसको हम लोग हीट इंजन या इस तरह का नाम देते हैं। क्लियर? तो आपको अब वहां पे वहीं पे एक बात आती है कि अगर आप जैसे हीट है, यहीं से हमें एंट्रोपी को समझना है, ठीक है, यही बेसिक है, यहीं से एंट्रोपी का, ठीक है, एंट्रोपी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, व्हाई हीट इज हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू वर्क कंप्लीटली। ओके, तो इसमें आपने कहा कि हीट, मान लीजिए हीट आपके पास कितना है, 100 किलो जूल है। अब 100 किलो जूल को आप क्या कर रहे हो, 40 किलो जूल वर्क में कन्वर्ट कर रहे हो। आप इसको 50 किलो जूल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, 60 किलो जूल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, 80 किलो जूल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन कभी 100 किलो जूल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ये सारे पॉसिबल हैं, बट ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इस, मतलब कभी हम कह रहे हैं कि 40 किलो जूल में वर्क कन्वर्ट हो रहा है, हम 50 किलो जूल वर्क आउटपुट भी ले सकते हैं, हम 60 किलो जूल भी वर्क आउटपुट ले सकते हैं, तो कौन सी ऐसी बात है जो इसकी हीट के कंटेंट को घटा और बढ़ा रहा है, ठीक है। तो उन सब का आंसर है, उस इस बात का आंसर है आपका एंट्रोपी, ठीक है, एंट्रोपी, ठीक है। तो इसका मतलब है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम ये समझते हैं कि यहां से क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई एंट्रोपी क्या होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिटेल में पिछले सेक्शंस में पढ़ा हुआ है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंट्रोपी क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, एंट्रोपी को अगर हमें डिफाइन करना है तो सबसे पहले हम लोग एक स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर इस स्टेटमेंट के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपसे हम कहें कि हैपनिंग ऑफ अ प्रोसेस, हैपनिंग ऑफ अ प्रोसेस विदाउट एनी एफर्ट increases the randomness or disorder of the system। अब ये क्या मतलब है, happening of a process without any effort, बहुत important term है, ठीक है। happening of a process without any effort increases the randomness or disorder of the system। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए एक example लेते हैं, sitting of students in a class, एक example हम लोग लेते हैं, sitting of students in a class। देखिए, आपसे अगर कहा गया कि किसी क्लास में मान लीजिए 30 स्टूडेंट्स हैं और इनका रोल नंबर है 1 से लेकर के 30 तक, रोल नंबर है इनका, सबको अपना अपना रोल नंबर पता है, ठीक है, सबको अपना अपना रोल नंबर पता है। अब एक क्लास है, उस क्लास में सीट्स लगी हुई हैं, ठीक है, 10 सीट इधर है और 10 सीटें इधर है, ठीक है, 30 सीटें हैं मान लीजिए, चार आठ दो दस, ठीक है, 30 सीटें हैं। अब इस 30 सीटों पर इन ये रोल नंबर्स लिखे हुए हैं, रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर उसके बाद 11, 12, 13, 20, फिर 21 to 30। तो इधर क्या है, 1 से लेकर के 10 तक, इधर 11 से लेकर के 20 तक और इधर 21 से लेकर के 30 तक रोल नंबर सीट्स पर लिखे गए हैं, ठीक है। अब
ये 30 स्टूडेंट्स अब पेपर होना है, मान लीजिए कोई एग्जाम होना है, ठीक है, एग्जाम होना है, स्टूडेंट्स आते हैं और ये रोल नंबर जो लिखे हुए हैं इनके अकॉर्डिंग नहीं बैठते हैं, चूंकि स्टूडेंट्स थोड़ा सा बदमाश होते हैं, ठीक है, अपने मन के होते हैं, तो बुरा नहीं लग मानिएगा, ठीक है, तो आप स्टूडेंट्स को भेजा जाता है, मतलब स्टूडेंट्स आते हैं 30 और इस रोल नंबर के बजाय, इस रोल नंबर के अकॉर्डिंग बैठने के बजाय वो क्या करते हैं, रैंडमली ऐसे ही बैठ जाते हैं, ठीक है, कोई क्लास में कोई टीचर नहीं है तो रैंडमली ऐसे ही कोई एक नंबर वाला 30 नंबर पर बैठ जाता है, 11 नंबर वाला 21 नंबर पर बैठ जाता है, कोई भी कहीं भी बैठ जा रहा है, क्लियर। अब क्या होगा, मान लीजिए 10 बजे से पेपर स्टार्ट होना है, ठीक है, 10 बजे दिन में पेपर स्टार्ट होना है, ठीक है, अब जो इन्विजिलेटर है वो पेपर के साथ, पेपर कॉपी के साथ मान लीजिए 9:55 में पे आता है और 5 मिनट में उसको पूरा डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि सब कुछ रोल नंबर वगैरह लिखा हुआ है, सबको अपना अपना रोल नंबर पता है, सब अपने आप बैठ गए होंगे, अब हमें जा करके बस सब रोल नंबर वाइज पेपर पे भी रोल नंबर्स लिखे हुए हैं और रोल नंबर वाइज सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्लियर। अब वो आएगा अगर यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या हुआ है, सब अपने आप इधर उधर बैठ गए हैं, चूंकि इनके बैठाने में किसी ने कोई एफर्ट नहीं लगाया है, यानी एक ऐसा प्रोसेस हुआ यहाँ पर जिसमें कोई एफर्ट नहीं लगा है, कोई भी मतलब बच्चों ने भी अपना एफर्ट नहीं डाला है, अपना दिमाग नहीं यूज किया है कि हमारा रोल नंबर ये है और इस रोल नंबर वाली सीट पर हमें बैठना चाहिए, कोई एफर्ट नहीं लगाया गया है, सब लोग ऐसे वैसे बैठ गए। अब जब इन्विजिलेटर आएगा और जब कॉपियां बांटना शुरू करेगा, कॉपियों पर भी सबके अपने अपने रोल नंबर लिखे गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से, चूंकि सबके सबके क्वेश्चन सफल हैं इस तरीके से है, तो अब बताइए जब वो आएगा इन्विजिलेटर और बांटना शुरू करेगा तो सबसे पहले क्या करेगा, पूछेगा कि इज एवरीवन सीटेड ऑन देयर ओन सीट्स, ओके, हर कोई क्या अपनी सीट पर बैठा हुआ है। अब सारे बच्चों को होश आएगा कि नहीं, मेरा रोल नंबर तो 1 है और मैं 30 पर बैठा हुआ, मेरा रोल नंबर 11 है, मैं 21 पर बैठा हुआ हूं, तो क्या होगा वहां पर क्या होगा। अब या तो इन्विजिलेटर के पास टाइम नहीं है तो या तो वो क्या करेगा, या तो वो अब 30 नंबर पर जाकर के एक नंबर वाले का देगा, फिर उसके बाद 2 नंबर रोल नंबर बोलेगा, फिर वहां से जाकर के जहां 2 रोल नंबर वाला बैठा होगा वहां पर जाकर के देगा, तो क्या हो गया इससे, ये जो अपने आप प्रोसेस हुआ उसकी वजह से रैंडमनेस जो बढ़ा था, जो डिसऑर्डरनेस बढ़ा था, उस डिसऑर्डरनेस की वजह से क्या हो रहा है, उसका रिजल्ट क्या है कि जिस एफिशिएंसी से भाई उसके पास कुछ एनर्जी रही होगी इन्विजिलेटर के पास, ठीक है, तो अगर ये रैंडम ऑर्डर में बैठे होते, सॉरी ऑर्डर वे में बैठे होते, सीक्वेंस वाइज बैठे होते सारे बच्चे, तो जो एनर्जी उसको अब खर्च करनी पड़ रही है चिल्लाने में, दौड़ने में, भागने में, इधर उधर, वो क्या हो जाती, सेव हो जाती, वो कहीं और यूटिलाइज हो जाती, क्लियर। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, उस रैंडमनेस की वजह से उस इन्विजिलेटर की भी और स्टूडेंट्स की भी एनर्जी क्या हो रही है, स्वेटिंग में और किसी उसमें क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है। तो जब किसी भी सिस्टम का, जब कोई भी प्रोसेस होता है, अगर वो प्रोसेस अपने आप हो रहा है, स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, तो उस प्रोसेस के होने की वजह से रैंडमनेस बढ़ता है, और जब रैंडमनेस बढ़ता है, डिसऑर्डरनेस बढ़ता है, तो जो एफर्ट हमें एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है उतना ही काम करने के लिए, यानी कि हमारी कुछ एनर्जी क्या हो जा रही है, वेस्ट हो जा रही है, क्लियर। तो अब इसीलिए कहा गया कि हीट जब भी देखिए, ये जो हीट है, जैसे मान लीजिए यहां पर कोई लिक्विड है, यहां पर कोई क्या है, लिक्विड है, लिक्विड वाटर मान लीजिए। अब इस लिक्विड वाटर का टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस, और यहां का टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस या 1000 डिग्री सेल्सियस। 1000 डिग्री सेल्सियस पर कोई सोर्स है, तो ये जो हीट देगा इसको अपने आप देगा ना, ये प्रोसेस अपने आप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 1000 डिग्री सेल्सियस से हीट अपने आप 25 डिग्री सेल्सियस की तरफ जाएगी, अगर दोनों को कॉन्टेक्ट में ले आओगे तो। बात समझ में आ रही है? तो जब 1000 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस की तरफ हीट अपने आप जा रही है तो क्या होगा, ये यानी कि ये ऐसा प्रोसेस है जो अपने आप हो रहा है, स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, और जब स्पॉन्टेनियसली होगा तो इस प्रोसेस के दौरान रैंडमनेस बढ़ेगी, और जब रैंडमनेस बढ़ेगी तो इस हीट का कुछ ना कुछ पोर्शन क्या होना है, लॉस हो जाना है, ठीक है। अब वो जो रैंडमनेस, अब इसीलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि 100 किलो जूल का कभी
जो है इसको 40 किलो जूल वर्क में कन्वर्ट कर रहे हो, कभी आप इसको बोल रहे हो 50 किलो जूल वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं, कभी आप इसको बोल रहे हो 60 किलो जूल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो गई है। इसका मतलब है कि जब ये इस प्रोसेस से वर्क किया गया तो इसका मतलब है कि वहाँ पर रैंडमनेस ज़्यादा रहा होगा, यहाँ पर रैंडमनेस उससे कम रहा होगा, यहाँ पर रैंडमनेस सबसे कम रहा होगा। ठीक है, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे वर्क में कितनी कमी आ रही है या हमारा जो एनर्जी का लॉस हो रहा है वो कहाँ चला जा रहा है या कितना चला जा रहा है, उसको जो मेजर करने वाला टर्म है दैट टर्म इज नोन एज एंट्रोपी। ओके, दैट टर्म इज नोन एज एंट्रोपी। क्लियर है? तो ये जो रैंडमनेस है, हैपनिंग ऑफ अ प्रोसेस विदाउट एनी एफर्ट इंक्रीजेस द रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम, तो इस रैंडमनेस का जो डिग्री है, दिस रैंडमनेस इज मेजर्ड बाई अ प्रॉपर्टी कॉल्ड एंट्रोपी। क्लियर? This randomness is denoted by a property called, this randomness is represented या measured is measured by thermodynamic property, thermodynamic property known as what? Entropy। इस randomness को, कितना ज्यादा randomness है उस रैंडमनेस को कौन मेजर करेगा? हमारा एंट्रोपी। और यही रैंडमनेस जब हमें पता चल जाएगा कि रैंडमनेस ज़्यादा हो रहा है तो हम कहेंगे कि एनर्जी का लॉस ज़्यादा हो रहा होगा, एनर्जी का वेस्ट ज़्यादा हो रहा होगा, वेस्टेज ज़्यादा हो रहे होंगे। ठीक है, जब ये रैंडमनेस कम होगा तो हम कहेंगे एनर्जी वेस्ट कम होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, क्या होते हैं? बंधे हुए होते हैं, इसमें रैंडमनेस नहीं होता है, इधर उधर ये मूव नहीं करते। हम इनके जो इनका पोजीशन है इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पोजीशन से यहाँ पे डिफाइंड है। ठीक है, लेकिन अगर यही मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जाएं? गैस में, गैसियस मॉलिक्यूल्स हो, तो इनका पोजीशन आप नहीं बता सकते हो, यू कैन नॉट फिक्स द पोजीशन ऑफ एनी वन मॉलिक्यूल। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, रैंडमनेस बहुत ज़्यादा है, तो इसका जो एंट्रोपी होगा या डिग्री ऑफ रैंडमनेस होगा वो बहुत कम होगा एज कंपेयर टू इसका डिग्री ऑफ रैंडमनेस, यानी कि सॉलिड्स का डिग्री एंट्रोपी कम होगा एज कंपेयर टू गैसेस एट द सेम टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पर। क्लियर? तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है एंट्रोपी का। ठीक है, तो जब कभी भी कोई भी प्रोसेस अपने आप होता है तो उसमें रैंडमनेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, या जब कोई प्रोसेस बिना किसी एफर्ट के किया जाता है तो उसमें रैंडमनेस होने के चांसेस अधिक होते हैं, डिसऑर्डर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और उस डिसऑर्डर होने की वजह से प्रोसेस में, प्रोसेस का जो एफर्ट है वो कहीं और चला जाता है। ठीक है, या उसका जो वेस्ट है वो बढ़ जाता है। ठीक है, प्रोसेस वेस्ट जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और प्रोसेस वेस्ट जब बढ़ जाता है तो हमें आउटपुट कम मिलता है। क्लियर? और इस आउटपुट को हम अगर बढ़ाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस रैंडमनेस को कम करना पड़ेगा, यानी एंट्रोपी को कम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है हमें एंट्रोपी को समझना जरूरी है मैथमेटिकली, किसी भी प्रोसेस को, कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा हो उसमें इस प्रॉपर्टी को मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देना जरूरी है। ठीक है, चूंकि हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि लगभग इतना अमाउंट क्या है, एंट्रोपी है। अगर हम इसको धीरे धीरे, इसका जो रीज़न है उसको अगर हम कम कर दें तो प्रोसेस वेस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश करेंगे एंट्रोपी को। ठीक है, देखिए देखिए एंट्रोपी का जो बेसिक आया कहां से, उसका उद्भव हुआ, वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हुआ है। ठीक है,
अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग ढेर सारी इनइक्वालिटीज के बारे में पढ़ते हैं, इनइक्वालिटीज ऑकर्ड इन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। देखिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आप कहते हो कि जो W एक्चुअल है, W नेट एक्चुअल, किसी भी प्रोसेस के दौरान जो W नेट हमें मिल रहा है, वर्क आउटपुट नेट, ठीक है, तो W नेट जो है वो जो एक्चुअल है उसकी वैल्यू या तो लेस होगी या बराबर होगी किसके, W रिवर्सिबल के या W मैक्सिमम के, W नेट रिवर्सिबल, ठीक है। ये हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये इनइक्वालिटी पढ़ चुके हैं। तो इसी से हम लोग कहते हैं कि जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी जो है एक्चुअल, वो क्या होगी, एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस या करनॉट प्रोसेस क्या होगा, कम होगा या फिर इक्वल होगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग सीओपी की बात करते हैं, जब हीट पंप और रेफ्रिजरेटर जब हम लोगों ने पढ़ा था तो वहां पे भी हम लोगों ने बोला था कि सीओपी ऑफ एक्चुअल सिस्टम, सीओपी ऑफ एक्चुअल साइकिल इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू सीओपी ऑफ व्हाट, रिवर्सिबल सिस्टम या रिवर्सिबल साइकिल, क्लियर। तो इसी इन्हीं तीनों इक्वालिटी, ये तीन इक्वालिटीज हम लोग वहां पर देख चुके थे। अब एक हम लोग तीसरी चौथी इनइक्वालिटी देखेंगे हम लोग यहाँ पे, जिसको हम लोग नाम देते हैं क्लासियस इनइक्वालिटी, क्लासियस इनइक्वालिटी, ठीक है। क्लासियस इनइक्वालिटी में कहा जाता है कि कोई साइकिल है उस साइकिल में जितने भी हीट ट्रांसफर हो रहे हैं और जितने भी हीट ट्रांसफर हो रहे हैं डिवाइडेड बाय करस्पॉन्डिंग बाउंड्री टेम्परेचर इज ऑलवेज, देयर साइक्लिक इंटीग्रल इज ऑलवेज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू जीरो। इन्होंने बताया कि साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू बाई टी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है, इन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए कि ये बॉयलर है, क्या है, बॉयलर है, ये क्या है, कंडेंसर है, ये क्या है, कंडेंसर है, क्लियर, बॉयलर है और ये क्या है, कंडेंसर है। बॉयलर को हीट दी जा रही है, मान लीजिए क्यू वन, ठीक है, और यहां से क्या हो रहा है, हीट निकल रहा है क्यू टू, क्लियर। अब जो हीट ये क्यू वन निकल रहा है, ये बाउंड्री कितनी है, बाउंड्री का जो टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर है ये बाउंड्री टेम्परेचर है, टी इज ऑलवेज करेस्पॉन्डिंग बाउंड्री टेम्परेचर, करेस्पॉन्डिंग बाउंड्री टेम्परेचर इन केल्विन, इन केल्विन, क्या ये करेस्पॉन्डिंग बाउंड्री टेम्परेचर है, किसमें, केल्विन में, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये हीट इंजन है, ठीक, अब ये पूरा सिस्टम आपका, ये सिस्टम हो गया, अब इसमें एक हीट ये अंदर जा रही है, एक हीट क्या हो रही है, क्रॉस कर रही है इसको, ठीक है। अब ये टी, यहां पर टेम्परेचर कितना होगा, टी वन बाउंड्री टेम्परेचर, और यहां पर टेम्परेचर कितना है, टी टू है, ठीक है। तो जो नेट चेंज है Q1 वन बाई टी वन, ये हीट एडिशन हो रहा है, तो ये प्लस माइनस, मतलब नेट साइक्लिक इंटीग्रल, मतलब नेट समेसन कह सकते हैं आप, ठीक है। Q2 टू बाई टी टू, इसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन और इक्वल टू जीरो होगी, ठीक है। इसको हम लोगों ने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी थोड़ा सा देखा था कि अगर ये पूरा का एक्सटर्नली रिवर्सिबल है, मतलब यहां पर कोई फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मतलब आइसोथर्मल हीट ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पर आइसोथर्मल हीट एग्जिट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इस प्रोसेस को हम लोग, इस साइकिल को रिवर्सिबल साइकिल मानेंगे, और रिवर्सिबल साइकिल के लिए इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाती थी, बराबर, तो इसका मान कितना आ जाएगा, जीरो, ठीक है। लेकिन अगर ये इररिवर्सिबल साइकिल है तो क्यू वन माइनस टी वन, क्यू वन अपॉन टी वन माइनस क्यू टू अपॉन टी टू विल बी लेस देन व्हाट, जीरो, ठीक है। ये किसने बताया था, क्लासियस ने बताया था, ठीक है।
तो क्लासियस ने कहा यह बात आपको ध्यान रखना है, टोटल साइक्लिक इंटीग्रल, साइक्लिक मतलब पूरे साइकिल के लिए बात की जा रही है, ठीक है, पूरे साइकिल के लिए बात की जा रही है। तो पूरे साइकिल के लिए हमेशा डेल क्यू बाई टी इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये टी हमेशा इतना ध्यान रखिएगा इज ऑलवेज बाउंड्री टेम्परेचर, जिस बाउंड्री, चूंकि हीट क्या होता है, हीट किसी बाउंड्री को क्रॉस करके किसी सिस्टम में प्रवेश करता है, दूसरे सिस्टम में प्रवेश करता है, तो जिस बाउंड्री को वो हीट क्रॉस कर रहा है ये वाला, उस बाउंड्री का टेम्परेचर ये है, क्लियर। अब ये किसको क्रॉस कर रहा है, ये इस बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है, दूसरे सिस्टम में प्रवेश कर रहा है, तो इसका टेम्परेचर कितना होगा, टी टू, क्लियर। अभी एक दो हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां पे थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ओके। तो यहां पे ये जो टर्म है इसको डिफाइन करना हमें, ठीक है, कि डेल क्यू बाई टी क्या होता है, क्लियर। तो क्लासियस ने एक नया टर्म डिफाइन किया, ठीक है, डेल क्यू बाई टी, और उसको क्या बोला, एंट्रोपी, क्लियर। अच्छा, एक चीज इसमें लिख लेते हैं, ये जो साइक्लिक इंटीग्रल है, सिंस साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, तो फॉर रिवर्सिबल साइकिल ये जो होगा डेल क्यू बाई टी इज लेस देन जीरो फॉर इररिवर्सिबल साइकिल, मैं प्रोसेस यहां पे नहीं लिख रहा हूं, साइकिल, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, फॉर रिवर्सिबल साइकिल, फॉर रिवर्सिबल साइकिल, क्लियर, साइकिल ध्यान रखना है, ठीक है, ये साइकिल के लिए लिखा हुआ है कि अगर इररिवर्सिबल साइकिल, फॉर इररिवर्सिबल साइकिल, क्लियर। अगर हम ये देखें डेल क्यू बाई टी इज इक्वल टू जीरो, तो ये किसके लिए होगा, फॉर रिवर्सिबल साइकिल, फॉर रिवर्सिबल साइकिल, साइकिल ध्यान देना है, ये प्रोसेस के लिए नहीं है, किसी साइकिल के लिए ये लिखा जा रहा है, क्लियर। तो ये बातें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है, ये बात क्लियर। अब यहां से उन्होंने डिफाइन किया कि फॉर, अगर ये कोई इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस है, कोई अगर कोई भी प्रोसेस हो रहा है, जैसे मान लीजिए इसको हम लोग मिटाते हैं, फॉर अ प्रोसेस, और कैसा प्रोसेस, इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस, कैसा प्रोसेस, इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस। अब ये सब चीजें हम लोग देख चुके हैं, रिवर्सिबल ये सब क्या होता है, तो ये सब हम लोग पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो फॉर अ प्रोसेस विच इज इंटरनली रिवर्सिबल, क्लियर, उसके लिए क्या होगा, ये जो डेल क्यू बाई टी है, सिर्फ इंटीग्रल नहीं लगा रहा हूं, साइक्लिक इंटीग्रल नहीं लगा रहा हूं मैं, सिर्फ एक प्रोसेस के लिए, 1 to 2, 2 to 3 जो प्रोसेस होगा उसके लिए, और उसको हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि वो इंटरनली क्या है, रिवर्सिबल है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, डीएस के बराबर होती है, मतलब उस प्रोसेस के दौरान एंट्रोपी में हुए चेंज के बराबर होता है, ठीक है। तो ये क्लासियस ने बताया था कि डेल क्यू बाई टी फॉर अ इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर अ प्रोसेस, ये ध्यान देना है, साइकिल नहीं बोल रहा हूं मैं यहां पे, प्रोसेस बोल रहा हूं, इसकी वैल्यू क्या होती है, उस प्रोसेस के लिए जो चेंज इन एंट्रोपी है उसके बराबर होता है, क्लियर। तो चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग अ प्रोसेस, क्लियर, ड्यूरिंग अ प्रोसेस, क्लियर। अब अगर आपको टोटल चेंज इन एंट्रोपी निकालना है ड्यूरिंग अ प्रोसेस, तो टोटल चेंज इन एंट्रोपी, देखो ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया क्लासियस ने, अब यहीं से कहानी शुरू हो जाएगी, ठीक है, कि कैसे हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम के लिए, डिफरेंट डिफरेंट थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स के लिए
कैसे एंट्रोपी को कैलकुलेट करना है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस को कैसे कैलकुलेट करना है, ताकि हमें पता चल जाए कि एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होगी या कम वेस्ट होगी। क्लियर? तो टोटल चेंज इन एंट्रोपी फॉर अ प्रोसेस इज इक्वल टू वन से फॉर अ प्रोसेस वन टू टू मान लेते हैं। कोई प्रोसेस हो रहा है, जैसे मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक कोई प्रोसेस है वन से टू, ठीक है, इस डायरेक्शन में मान लीजिए हो रहा है ये, मान लो पी वी डायग्राम है ये, कोई भी डायग्राम है, पी वी डायग्राम नहीं ड्रॉ करेंगे अभी, ठीक है, कोई भी डायग्राम है, तो वहाँ वन से टू तक अगर कोई प्रोसेस हो रहा है तो उसमें टोटल चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, वन से टू तक क्या डेल क्यू बाई टी इंटरनली रिवर्सिबल। ये याद रखिएगा कि हम यहाँ पे ऑलरेडी मान रहे हैं कि कैसा प्रोसेस है, इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस है, अभी मान रहे हैं हम लोग, ठीक है, कि इंटरनली रिवर्सिबल है, तो उसके लिए एंट्रोपी चेंज कितना होगा, इतना होगा। क्लियर? यहाँ पर देखो हम साइकिल नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ एक से दो तक हम लोग देख रहे हैं। साइकिल का मतलब ये गोला जो लगाने का मतलब होता है टोटल साइकिल जितनी हो रही है, टोटल जितने प्रोसेसेज हैं एक साइकिल में सबका, सबके लिए, तो वो चीज़ नहीं लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। उसके लिए तो वैल्यू लेस देन और इक्वल टू जीरो वो वैलिड है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसको हम लोग लिख सकते हैं एस टू माइनस एस वन इज वन टू टू डेल क्यू बाई टी इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल, ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा एस बराबर वन टू टू डेल क्यू बाई टी इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल प्रोसेस, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया किसके लिए, एंट्रोपी चेंज के लिए, चेंज इन एंट्रोपी के लिए। क्लियर? अब इसका जो एंट्रोपी है उसकी यूनिट क्या होती है, ये किलो जूल में अगर है और ये केल्विन में है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, किलो जूल पर केल्विन, किलो जूल पर केल्विन, ऐसा ही यूनिट है, किलो जूल पर केल्विन, ठीक है। तो एंट्रोपी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। एंट्रोपी एंट्रोपी इज अ प्रॉपर्टी, एंट्रोपी इज अ प्रॉपर्टी, एंट्रोपी इज अ प्रॉपर्टी, ठीक है। कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एंट्रोपी मास पर डिपेंड करता है, एंट्रोपी मास पर डिपेंड करता है, ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्लियर? अब अगर ये प्रॉपर्टी है, अगर ये प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या होती है, प्रॉपर्टी किस पर सिर्फ डिपेंड करती है, स्टेट्स पर, ठीक है, एंड स्टेट्स पर, तो ये भी किस पर डिपेंड करेगी, एंड स्टेट पर। तभी हम लोगों ने इसको इंटीग्रल वन टू टू डीएस को, मतलब पहली बात तो हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल के फॉर्म में दिखा रहे हैं और दूसरा एस टू माइनस एस वन लिख दिया, चूंकि ये स्टेट वन और स्टेट टू पर ही डिपेंड करेगा, बीच के पाथ पर चेंज इन एंट्रोपी नहीं डिपेंड करेगा। क्लियर? फॉर अ प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉर अ प्रोसेस। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग डेल्टा एस इसको लिख रहे हैं, ठीक है। तो चूंकि ये प्रॉपर्टी है, जैसे कि आपकी एनर्जी प्रॉपर्टी, इंटरनल एनर्जी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, उसी तरीके से एंथैल्पी एक प्रॉपर्टी होती है, उसी तरीके से आपका एंट्रोपी भी एक प्रॉपर्टी बताया गया, ठीक है, और ये सिर्फ एंड स्टेट्स पर डिपेंड करेगा और स्टेट की किसी एक फिक्स वैल्यू के लिए इसका मान क्या होगा, फिक्स होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एंट्रोपी को डिफाइन करते हैं। अब